एक घर में जैसे ही माँ को खबर लगी कि उसके बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, को जैसे जैसे ही ही पता चला, किसी ने ने आकर के कहा कि तेरे बेटी का एक्सीडेंट हो गया, जैसे ही सुना खाना बना रही थी खाने को छोड़ा हाथ उसके आटे से सने हुए और अपने बच्चे के लिए दौड़ पड़ी पता चला कि अभी अभी, अभी एक्सीडेंट हुआ चौराहे पर उसका एक्सीडेंट हो गया है जल्दी जा कहीं ऐसा ना हो कि अंतिम चेहरा भी तू देख ना पाए और तब माँ दौड़ी दौड़ी गई अपने बच्चे के पास चौराहे पर पहुंची तो पता चला कि लोग उसके बच्चे को हॉस्पिटल लेकर चले गए हैं और बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती है वो दौड़ी दौड़ी फिर अपने बच्चे के पास हॉस्पिटल पहुँची और हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टरों ने साफ इनकार कर दिया बहन तुम्हें बाहर बैठना पड़ेगा तुम्हारा बच्चा अत्यंत सीरियस है हम उसे किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को वहां जाने नहीं दे सकते मां ने कहा हूं।, हूं मुझे जाने दीजिए कल को मेरे बच्चे के कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर पछतावा करने के अलावा मेरे पास कुछ ना बचेगा डॉक्टरों ने साफ इनकार कर दिया आप अंदर नहीं जा सकते बच्चे का ऑपरेशन हो रहा है बच्चे का ऑपरेशन हो गया दिन भर पूरा बीत गया बच्चे को ऑपरेशन करके थिएटर से बाहर लाया गया आईसीयू में उसे भर्ती किया गया दो दिन बीत गए मां ने न कुछ खाया न कुछ पिया पर बच्ची को होश नहीं आ पाया आखिर डॉक्टरों ने देखा कि बच्चे को किसी भी तरह से होश नहीं आ रहा है कहीं ऐसा न हो कि बच्चा कहीं चला जाए और जिंदगी भर माँ के पास पछताने के अलावा कुछ और न बच पाए तब डॉक्टरों ने उस माँ को जाने की रजा दे दी जा जा तू जा तेरी इतनी ही जिद है तेरे बच्चे के पास जाने की जा और माँ बच्चे के पास चली आई माँ ने अपने बच्चे को पूरा पट्टियों से बंधा हुआ देखा वो अपने आप को रोक ना पाई डॉक्टरों ने कहा था कि तू अपने बच्चे को छूना नहीं बच्चे को छूना नहीं, उसका पूरा शरीर घावों से भरा है तू अपने बच्चे को छूना नहीं पर जैसे ही माँ ने अपने बच्चे को पट्टियों से बैंडेज से बंधा हुआ देखा वो अपने आप को रोक ना पाई रोक न पाई बच्चे के बिल्कुल पास चली गई बच्चे का प्यार से माथा चूमा बच्चे का प्यार से माथा चूमा और माथा चूमकर इतना ही कहा आई लव यू माई सन आई लव यू माई सन आई लव यू माई सन बच्चे को माँ ने प्यार दिया बच्चे को माँ ने प्यार दिया माँ बच्चे को देखती रह गई देखती रह गई देखती रह गई कि अचानक माँ के आंखों से अचानक मां के आंखों से गंगा जमुना लगातार बहनी शुरू हुई और ऐसी बहनी शुरू हुई कि जैसे ही मां की आंखों से आंसू टपके टपक कर सीधे वो बच्चे के होठों पर और बच्चे की आंखों पर जाकर गिरे जैसे ही बच्चे की आंखों पर जाकर के आंसू गिरे और होठों पर वे आंसू की चार बूंदे आकर टपकी कि वो आंसू होठों से सीधे उतरकर बच्चे के गले की तरफ बढ़ गए और जैसे ही हलक के नीचे उतरे कि उतरते ही अचानक बच्चे के होठ फड़फड़ाने लगे और बच्चे के होठ से निकला मां 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 बगल में खड़े हुए डॉक्टर बगल में खड़े हुए डॉक्टर अपने आप को रोक न पाए और उस महिला की पीठ थपथपाते हुए कहा कि अब तक हम समझते थे कि साइंस की ताकत बहुत बड़ी है पर आज पहली बार पता चला कि मां की ताकत साइंस से भी बड़ी है आज पता चला आज पता चला कि माँ की ताकत साइंस से भी बहुत बड़ी है अरे जो काम दो दिन तक हमारी दवाइयाँ, हमारी दवाइयाँ और इंजेक्शन न दे पाए वो काम वो ताकत तुम्हारे आंसुओं ने कर दिया बहन आज हमें पता चल गया कि माँ के आंसू आंसू नहीं होते बल्कि माँ के आंसू अपने बच्चे के लिए संजीवनी बूटी का, का काम किया करते मां के आंसू अपने बच्चों के लिए संजीवनी बूटी का काम किया करते हैं वो संजीवनी कि जिसको लेने के लिए हनुमान जी ठेठ हिमालय तक गए थे इतनी सुधीर गई यात्रा की थी ओह अगर उस समय संजीवनी बूटी लाने की बजाय अगर केवल कौशल्या मां को भी ला करके खड़ा कर दिया जाता तो जो काम हिमालय की संजीवनी बूटी कर पाई थी वही काम मां के द्वारा दिया गया आंचल का इस भी वही काम कर देता क्योंकि मां के आंचल में मां के आंचल में जो संजीवनी रहती है वो संजीवनी तो हिमालय में भी नहीं रहा करती माना माना कि हिमालय बहुत ऊंचा है पर यह बात वही कहेगा जिसने अभी तक माँ का दिल नहीं समझा है माना कि हिमालय बहुत ऊंचा है पर यह बात वही कहेगा जिसने अभी तक माँ का कलेजा नहीं समझा है जिसने माँ के दिल को समझा मां की ममता माँ के, मा के वात्सल्य को समझा वो जानता है हिमालय बहुत ऊंचा है पर मां का दिल हिमालय से भी ऊंचा है फर्क केवल इतना है हिमालय ऊंचा तो है पर वहां के पत्थर बड़े कठोर हैं पर मां का दिल कठोर नहीं है मां का दिल कठोर नहीं है माना मां वायु की तरह गतिशील होती है पर मां वायु की तरह चंचल नहीं होती माँ हिमालय की तरह ऊंची है पर हिमालय की तरह कठोर नहीं है माँ सागर की तरह गहरी है पर सागर की तरह खारी नहीं है माँ आसमान की तरह अनंत है पर मां आसमान की तरह अदृश्य नहीं है माँ परमात्मा की तरह सर्व सुलभ है पर परमात्मा की तरह दुर्लभ नहीं है लोग कहते हैं भगवान बड़ा पर अभी तक किसी ने भगवान को देखा नहीं अभी तक किसी ने भगवान को देखा नहीं जब आदमी को जब भगवान को आप लोगों के प्रणाम लेने होते हैं जब भगवान को आप लोगों के प्रणाम लेने होते हैं तो किसी मंदिर में जाकर पत्थर की मूर्ति बन करके बैठ जाया करता है पर जब भगवान को आपके प्रणामों का परिणाम देना होता है तो मां के रूप में धरती पर अवतार ले लिया करता है तब वो तब वो धरती पर मां के रूप में अवतार ले लिया करता है इसीलिए तो कहते हैं कि माँ तूने तीर्थंकरों को जन्मा है मां तूने तीर्थंकरों को जन्मा है ये सारा संसार तेरे ही दम से बना है अरे तू ही पूजा है मन्नत है मेरी तेरे ही चरणों में जन्नत है मेरी तेरे ही चरणों में जन्नत है मेरी मां तूने तीर्थंकरों को जन्मा है यह संसार तेरे ही दम से बना है आज यदि आज यदि महावीर मां की कोख में आ जाती हैं तो मां की कोख में महावीर बाद में आते हैं या महावीर मां की कोख से बाद में जन्म लेते हैं उससे पहले उससे पहले ही वो अपनी मां की महान ममता को समझ जाते हैं और जिसके चलते महावीर जैसे वीत रागी तीर्थंकर पुरुष भी ये संकल्प ले लेते हैं कि जब तक मेरी मां जीवित रहेगी मैं दीक्षा और सन्यास धारण दीक्षा या सन्यास में धारण नहीं करूंगा राम अगर जंगलों में जाते हैं राम अगर चौदह साल का वनवास लेते हैं तो माँ पूछती है सारी माताएं पूछती है कि राम लक्ष्मण सीता तुम तीनों लोग जंगल में जा रहे हो वनवास में हमें कैसे पता चलेगा हमें कैसे पता चलेगा कि तुम तीनों सुरक्षित हो तुम तीनों सकुशल हो तो राम कहते हैं मां मैं दीप जलाकर जाता हूं तेरे घर में माँ मैं दीप जलाकर जाता हूं तेरे घर में अरे जब तक ये दीप जलता रहे समझ लेना तेरे तीनों बच्चे सुरक्षित हैं और जिस दिन ये दीप बुझ जाए तब समझ लेना तेरे तीनों बच्चों में से कोई एक बच्चा चला गया है और तब राम चले जाते हैं शायद हिंदुस्तान ये जानता कि नहीं जानता पर आपको बता दो कि राम तो चले जाते हैं दीप जलाकर और राम के पीछे राम के पीछे उनके दीप घी से नहीं सींचे जाते उन दियो में घी या तेल नहीं पिरोया जाता उन दियो में मां कौशल्या अपने आंसू बह बह कर उनको चौदह साल तक अखंड प्रज्वलित रखती है चौदह साल तक चौदह साल तक उन दियो को अखंड प्रज्वलित रखती है माँ की ताकत है माँ की ताकत है कि जिसके चलते महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी जैसे लोग पैदा होते हैं ये माँ की ताकत है कि माँ अगर जरूरत पड़ जाए तो अपने बच्चे की कुर्बानी देकर भी अपने मालिक के बच्चे की रखवाली करती है और तपन्ना धाए तपन्ना धाय धरती पर एक महान माता के रूप में विख्यात हो जाती है हाँ अगर शत्रु से भी मुकाबला करना पड़े तो मां मुकाबला करने के लिए चली जाती है खुद बैठ जाती है घोड़े पर अपने बच्चे को बांध लेती है अपनी पीठ पर और तलवारें चलानी शुरू करती है राष्ट्र भक्ति के गीत गुनगुनाती हुए महान महारानी लक्ष्मी बाई एक मोहम्मद साबित होती है जो कि अपने बच्चे को साथ लेकर के युद्ध लड़ने के लिए निकल पड़ती है लोग कहते हैं कि मातृभूमि महान होती है लोग कहते हैं कि मातृभूमि महान होती है पर मेरे भाई आप लोगों को बता दू मातृभूमि का मुख दिखाया किसने मान, मान। अगर ये सारा राष्ट्र अगर यह सारा राष्ट्र कहता है कि मातृभूमि महान होती है तो मैं बता देना चाहूंगा मातृभूमि का मुख दिखाया किसने माने अगर मातृभूमि पराधीन हो जाए अगर मातृभूमि पराधीन हो जाए तो कहा जाता है कि इसके लिए तुम्हें अपने आप को शहीद करना पड़ेगा फिर से कोई भगत सिंह चंद्रशेखर सुखदेव महात्मा गांधी लाला लाजपत राय जैसे लोगों को फिर से पैदा होकर अपनी धरती को आजादी दिलानी पड़ेगी पर मेरे भाई इस धरती पर जितना गौरव जितना गौरव आप महात्मा गांधी लाला लाजपत राय चंद्रशेखर और भगत सिंह पर करते हैं मैं कहूंगा उतना ही गौरव कीजिए उस श्रवण कुमार पर कि जिसने कि अपने माँ बाप के लिए अपने माँ बाप के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान किया अपनी जिंदगी को कुर्बान किया मातृभूमि पर पैदा होने मात्र से मातृभूमि पर पैदा होने मात्र से कोई व्यक्ति इस माता का ऋणी हो जाता है अब जरा कल्पना करो कि जिस माता ने हमें पैदा किया जिस माता ने नौ महीने हमें अपनी कोख में रखा जिस माता ने अपने आंचल का दूध पिलाकर हम लोगों का पाल पोस कर बड़ा किया जिस माता ने हमारे हजार धमीड़े सहन करके भी अपने आंचल का दूध पिला पिलाकर आज इतना साठा गांठा आज सबको हर किसी व्यक्ति को दुरुस्त किया उस माता का हमारे साथ कैसा रिश्ता है होगा क्या भगवान के साथ भी ऐसा रिश्ता है क्या गुरु के साथ ऐसा रिश्ता है मेरा दावा है कोई व्यक्ति ईश्वर के मंदिर में ईश्वर के मंदिर में सवा साल जाएगा तब कहीं जाकर उसकी मन्नत सुननी पड़ेगी अगर गुरु के पास जाएगा उनके पांव की धूलि को अपने माथे से लगाएगा तो सात महीने में जाकर के उसकी भाग्य रेखा बदलेगी पर सुबह उठकर जो भी व्यक्ति अपने माता पिता के पांव की धूली को अपने माथे से लगाता है उस व्यक्ति के लिए दुनिया के बड़े से बड़े तीर्थ और मंदिर की चंदन की चुटकी से भी ज्यादा काम उसके माता पिता के चरण की धूली उसके लिए कर चाहे